अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कक्षा 5 के लिए आज हम पुनरावृत्ति अभ्यास देखेंगे बच्चों। पुनरावृत्ति अभ्यास SA1 के लिए, यानी SA1 एग्ज़ाम के परीक्षा के लिए पार्ट 3 से देखिए, जो है मस्ती की पाठशाला। मस्ती की पाठशाला एक पाठशाला थी जो जंगल में खुल गई थी। वहाँ के जानवर जो है बहुत ही हंसी खुशी मौज मनाते हुए उस पाठशाला में जाते थे हर साल। एक साल इसी तरह खेलने कूदने में उन्होंने बिता दिया था। ये था उसका पार्ट। तो आप ये पार्ट अच्छे से पढ़ो बच्चों क्लास घर में, और अच्छे से देखिए उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियाँ पार की, और उन्होंने कौन कौन से परीक्षाएँ दिए, और कौन किस परीक्षा में पास हुआ, ये सब अच्छे से देखिए। इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ है, देखिए शब्दार्थ एक बार मैं दोहरा देती हूँ। हंसी खुशी, हैप्पीली, माहौल, एटमॉस्फेयर, हैरान, सरप्राइज, आनंद, प्लेजर, बदलाव, चेंज, तांता, क्यों, रात भर, ओवरनाइट, चक्कर, राउंड, सून, ट्रंक, अनपढ़, इलिटरेट, विरोध, ऑब्जेक्शन, अनुभव, एक्सपीरियंस, धमा चौकड़ी, हॉर्स प्ले, वनवासी, ए पर्सन हु लिव्स इन फॉरेस्ट, उल्लास, जॉय, चीयरफुलनेस, व्यवहार, बिहेवियर, माता पिता, पेरेंट्स, परीक्षा, एग्जामिनेशन, शाखा, ब्रांच, गिनती, काउंटिंग, बहिष्कार, रिजेक्ट, सहभागिता, पार्टिसिपेशन, प्रकृति, नेचर, आसपास, ऑल अराउंड। सही विकल्प चुनना है, चूज द करेक्ट आंसर्स। कहाँ पर हंसी खुशी और धमा चौकड़ी का माहौल था? कहाँ था? सुंदर वन में, नंदन वन में, कानन वन में, मधुवन में? तो कानन वन में। किसके डर से सभी हंसना गाना भूल गए? परीक्षा के डर से। परीक्षा का बहिष्कार सबसे पहले किसने किया? मधुमक्खी ने, चूहे ने, बंदर ने, हाथी ने? मधुमक्खी ने, है ना। एक साल हो गया, अब तुम्हारी परीक्षा होगी, ये किसने कहा? भालू ने, सभी ने, मेंढक ने? इस तरह से आपको उत्तर देना है। परीक्षा में किस तरह से पूछा जाएगा? परीक्षा यहाँ मैदान में होगी, ये किसने कहा? भालू ने कहा, मधुमक्खी ने कहा, भालू या फिर सभी ने कहा, मेंढक ने कहा? तो आपको उत्तर देना है बच्चों, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर भी अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िए आप लोग। जैसे कि कानन वन के आसपास के वनवासी हैरान क्यों थे? कानन वन के में हंसी खुशी और धमा चौकड़ी का माहौल देखकर आसपास के वनवासी हैरान थे। मस्ती की पाठशाला डर की पाठशाला कैसे बन गई? परीक्षा का नाम सुनकर मस्ती की पाठशाला डर की पाठशाला बन गई। परीक्षा में भालू ने पशु पक्षियों को क्या क्या करने के लिए कहा? परीक्षा में भालू ने पशु पक्षियों को कई कार्य करने के लिए कहा, जैसे दीवार और पेड़ पर चढ़ना, सौ तक गिनती पूरी होने पर पहले मैदान के 4 चक्कर लगाना, और मैदान से एक बड़ा पत्थर हटाने के लिए कहा। परीक्षा का परिणाम क्या हुआ? परीक्षा का परिणाम ये हुआ कि सभी ने परीक्षा का विरोध किया कर दिया और कानन वन का स्कूल बंद हो गया। सबने परीक्षा का बहिष्कार क्यों किया? परीक्षा में गैर बराबरी की भावना विकसित होने के कारण सबने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। इस तरह से आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है प्रश्नोत्तर और उत्तर करना है बच्चों। चित्र को देखना है, चित्र से संबंधित इसमें क्या क्या है वो दो दो नाम आपको लिखना है इस बीट में। उसके बाद देखिए वाक्यों को रेखा खींचकर मिलाना है। परीक्षा क्या होती है? परीक्षा क्या होती है? व्हाट इज एग्जामिनेशन इन इंग्लिश? मैं पढ़ाता हूँ और आप पढ़ते हैं, यानी मैं पढ़ाता हूँ और आप पढ़ते हैं। आई टीच, यू लर्न। मैं इस परीक्षा का बहिष्कार करती हूँ। आई बॉयकॉट दिस एग्जामिनेशन। कानन वन का स्कूल पशु पक्षियों का था। स्कूल ऑफ कानन वन वॉज फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये है पार्ट, और इससे संबंधित चित्र देखिए और ये क्या है आपको लिखना है। कक्षा, मैदान,
खेल का मैदान, प्रयोगशाला, प्रार्थना कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, अध्यापक कक्ष, आपको मार्क करना है और लिखना है, ठीक है। ये है तीसरा पार्ट, हम ऑनलाइन क्लास में हम चौथा पार्ट का अभ्यास करेंगे, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।